Wow. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति की दुनिया में। तो आज है दिवाली, सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली, प्ले सेफ दिवाली। तो आज है दिवाली और मैं अपने घर नहीं गई हूँ ड्यू टू सम सिचुएशंस। तो मैं और मेरी रूममेट जो है हम यहीं पर हैं और सारी लड़कियाँ जो है चली गई हैं। बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है पीजी, क्या मतलब पूरा मुखर्जी नगर खाली हो गया है, सुनसान जैसा लग रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इस फीलिंग के से बाहर आने के लिए। तो आज हम लोग ने सोचा है कि सुबह सुबह हम चलते हैं गुरुद्वारा, थोड़ा मन भी लग जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा, और उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हमने कुछ स्पेशल बनाया तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत स्वीट्स ले लेंगे। तो गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं गुरुद्वारा जाने के लिए और हमने पूजा भी कर ली है। अब हम यहाँ से जाएंगे गुरुद्वारा और आपको मैं दिखाती हूँ हम लोग कितना अच्छा डेकोरेट किया है, मतलब जितना हो सके उतना डेकोरेट किया है हमने। तो ये रहा हमारा डेकोरेशन भगवान जी का, ज़्यादा बड़े बड़े मूर्ति नहीं, इतना ही है। और अभी लाइटनिंग दिखाती हूँ। कितना प्रिटी लग रहा है। और ये रहा मेरा ड्रेस और ये रही मेरी रूममेट। हेलो बोल। आप लोग देख सकते हैं हमारा मुखर्जी नगर एकदम खाली हो गया है, कुछ लोग बचे हैं जैसे हम लोग, हमारे ऐसे पागल लोग, हम लोग घर नहीं जा पाए। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन और हम जा रहे हैं यहाँ से पटेल चौक, जो कि वहाँ पर है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बहुत ज़्यादा खाली है मेट्रो भी, लोग बहुत कम है। तो हम लोग मेट्रो से निकल लिए हैं और यहाँ से जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर है गुरुद्वारा। आप चाहे तो ऑटो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑटो वाला क्या है इतने कम डिस्टेंस का सिर्फ दस रुपये लेता है और 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है बस। तो इसलिए हम लोग जो है बाई वॉक जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ना। और रोड पर कितनी कम भीड़ है आज, नहीं तो इस एरिया में, नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है इस एरिया में, मतलब स्टाइल आफ्टर मैरिज राजस्थानी। बहुत इतना वो हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये रहा बंगला साहिब, दिल्ली का वन ऑफ द फेमस गुरुद्वारा। हम स्लीपर रखने जाएंगे। हाँ, और वहाँ पर जो है स्लीपर रखना है हमें। तो हमने चप्पल रख दिया और हम जा रहे हैं अब दर्शन करने। सही बताओ, ये रहा बंगला साइड का पानी वाला एरिया। देखो खड़े हो जो आदमी है वो तुमको बोल देगा नीचे ना, नीचे खड़े नहीं, वहाँ जाना ही नहीं, मना इशारा कर रहे हैं तुमको। कौन? नहीं बोल,
देखो चले दर्शन कर लिया सब में। यस दर्शन हो गई। कैसा लगा कि दर्शन करके? सुकून, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे दर्शन करके। अच्छा हमने प्रसाद नहीं लिया, आगे मिले आगे। मैंने आगे से जो है यहाँ का वीडियो बनाया है, फ़ोटो खींचे, क्योंकि जब मैं वहाँ से क्लिक कर रही थी ना तो उन अंकल ने मुझे मना कर दिया था कि अलाउ नहीं है, तो इस तरफ आके हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो ये सब बना ली थी। यहाँ पर जो है सब लोग कैंडल्स चला रहे थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी चला देती हूँ क्योंकि आज दिवाली थी, तो शायद इसलिए सब लोग यहाँ पर कैंडल्स चला रहे थे। जो है प्रसाद मिल रहा है, हलवा, जो कि फेमस हलवा होता है गुरुद्वारा का, और हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। तो ये रहा प्रसाद हमारा, ये काफ़ी फेमस प्रसाद है। अब हम जा रहे हैं लंगर खाने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो आज था लंगर में रोटी दाल और सब्जी। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ अपने रूम पे। हमने दर्शन कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। लास्ट में हमें खीर भी मिली थी, मैंने खीर की रिकॉर्डिंग नहीं गई क्योंकि उस समय तक मैं खाने लग गई थी, फिर मैंने सोचा झूठे हाथ कौन फोन छुएगा। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था खाना, सिंपल और टेस्टी, और हमारी दिवाली सुबह की तो अच्छी मन गई, अकेलापन भी महसूस नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पर आके। और अब जा रहे हैं हम लोग रूम पे, फिर अब मिलेंगे शाम में। यहाँ जो मेरी दीदी है मतलब मेरी जो रूममेट है, आ रही है नींद, बहुत सोती है ये लड़की, बहुत ज़्यादा है ना, नींद आ रही है तुमको दीदी? जाके फ्लैट हो जाएगी, सुबह से बेचारी काम करी, 4 बजे का उठी है, गुजिया बनाई है, गुलाब जामुन, माय गॉड, गुलाब जामुन बनाई है, मठरी बनाई है, रसगुल्ला बनाई, जलेबी बनाई है। तो शाम का वक्त हो गया है और मैंने जो है दिए रेडी कर लिए हैं, और मैंने 10 दिए खरीदे थे टोटल, और ये जो है आप देख सकते हैं ये 11 दिए हैं, इसमें से एक दिया जो है मैंने घी का घी डाला है, और सारे दियों में जो है तिल का तेल डाला है। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग तैयार होंगे और थोड़ा सा पूजा करेंगे, और आज के दिन जो है विद्या जगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग विद्या कैसे जगाते थे मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ करता था कि शाम को जैसे मम्मी पापा पूजा करने जाते थे, तो मैं और मेरी बहन जो है हम अपनी विद्या जगाते थे। हम ऑलमोस्ट पूरी बुक रीड करते थे क्योंकि उस समय हमें ये रहता था कि विद्या जगाना है तो हमें हर एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ना था, हम पूरा चैप्टर रीड आउट कर लेते थे पता नहीं कैसे, और फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी रहता था कि बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं सब, हमें भी जल्दी जल्दी जाना है, तो बस उसके पटाखे के चक्कर में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मतलब वो भी काफ़ी अच्छे दिन थे। तो अभी भी हम थोड़ा सा पूजा करेंगे और फिर विद्या जगाएंगे। और हमारे पीजी में जो है आज रंगोली भी बनाया जा रहा है, सौम्या बना रही है रंगोली, तो उसे काफ़ी शौक था, तो वो बोली कि मैं थोड़ा सा रंगोली बना लेती हूँ, तो वो गई थी कलर लेने, तो बस बाहर है वो रंगोली बना रही है। तब तक मैं आपको अपना रूम थोड़ा सा आज दिखा देती हूँ, मतलब ठीक ठाक रूम हमने कर दिया है, थोड़ा बहुत सजा दिया है क्योंकि ताकि लगे कि हाँ आज दिवाली है।
तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे रूम की। तो ये हमने सजाया है ऐसे थोड़ा सा, और ये तो मैंने दिखाई दिया था। तो बस अब हम जा रहे हैं पूजा करने, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा रंगोली। सो मैं एक बार देखो कितना प्रिटी बना रही है ये रंगोली। अभी बस शुरुआत हुई है इसकी, है ना। यहाँ का कलर बहुत ही गंदा है, दिल्ली वाले ना रंगोली का कलर एकदम डब्बे में दिए हैं, आउच डब्बे में दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे और कलर निकल जाएगा, और बल्कि कलर बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये सिर्फ डब्बे देखने देखने के लिए। तो हम कलर इसने निकाल दिया एक पेपर में, फिर हमने ये नमक मिलाया है ना, नमक मिलाया तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। कितना डिफिकल्ट हो रहा है बनाने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा पीजी कितना प्रिटी लग रहा है, और यहाँ पे लाइटनिंग सबने लगाई है। वहाँ आप देख सकते हैं एकदम खाली एरिया है क्योंकि सब बच्चे भाग गए हैं। तो हमने पूजा कर ली है, और ये रही थी ये, और वो रहा मैंने विद्या भी जगा लिया है। सुंदर लग रहा है। ये रहे हमारे दिए और कैंडल्स, और ये हमारी रंगोली जिसे हमने कैंडल और दिए से सजाया है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये रहा मेरा लुक। मैंने आज साड़ी पहनी है और उसने लहंगा पहना है। कमेंट करिएगा अच्छी लग रही है। हैप्पी दिवाली। तो ये रहा मेरा फुल लुक साड़ी में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। आज मैं हम लोग चेंज ये सब करके जो है छत पर गए थे, थोड़े पटाखे ये सब हमने फोड़े, और ज़्यादातर तो बच्चों को मज़ा आ रहा था। आई होप आपको आज का मेरा ये दिवाली का ब्लॉग पसंद आया हो। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। तो मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली। कितना मज़ा आ रहा है।